हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जगदम्बा कार एक्सेसरीज वडोदरा। मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आज फिर से एक बार लेकर आ चुका हूं टाटा पंच प्योर वेरिएंट, जिसमें हम लोगों ने जो नीडी एक्सेसरीज होती है वो इंस्टॉल की हुई है। उसमें फ्रंट वे ऑफ द कार से स्टार्ट करूंगा। फ्रंट वे ऑफ द कार में बात करना चाहेंगे हम लोग, जो अपर DRL है टाटा की जेन्युइन आ चुकी है। हेडलाइट्स में अगर आप चाहो तो हेडलाइट के वाइट LED बल्ब इंस्टॉल करवा सकते हो, लेकिन ये वाले टाटा पंच में हम लोगों ने प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स इंस्टॉल की हुई है विद द HID किट के साथ, जिसका परफॉर्मेंस भी मैं आप लोगों को इस व्लॉग में कवर करके दिखाऊंगा। IPH कंपनी की ये प्रोजेक्टर फॉग लाइट है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की आती है। इसका नाइट व्यूज़ भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। और जब हम लोग इसको प्लेसमेंट करते हैं तो प्योर कॉपर की वायरिंग स्विच के साथ ही इंस्टॉल करते हैं, और उसका जो मैं स्विच है वो भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। इस तरीके से ऑन ऑफ भी वर्क करता है, कोई भी वायरिंग वगैरह हमने कट नहीं की हुई है, प्रॉपर कफलर टू कफलर इंस्टॉल किया हुआ है, कोई भी वारंटी भी लैप्स नहीं हुई है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि जब फॉग लाइट्स ऑन होते हैं किस तरीके से लाइट आप लोगों को देखने को मिलती है। लाइट का थ्रो भी आप लोगों को चेकआउट करवा देता हूँ। हेडलाइट्स भी ऑफ है और अपर DRL भी ऑफ है, लेकिन आप लाइट का थ्रो चेकआउट कर सकते हो किस विजन से साथ आप लोगों को लाइट देखने को मिलती है प्रोजेक्टर लेंस के साथ। बात करना चाहेंगे साइड प्रोफाइल ऑफ द कार की, तो हम लोगों ने इसमें ज़्यादा क्रोम एक्सेसरीज वगैरह मॉडिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन एक अच्छे से डोर वाइजर्स इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि पंच के प्रॉपर आते हैं, और विद द लोअर विंडो गार्निश के साथ हमने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है, ताकि जो साइड वे ऑफ द कार का लुक है काफ़ी एनहांस हो जाए। और साथ ही में हम लोगों ने हर बार आप लोगों को बताते हैं कि एक रूफ रेल लगवाने से आपकी जो कार है काफ़ी लग्जरियस लगती है और एक फील आता है कि ये आपकी कार SUV टाइप है। उसी के साथ हम लोगों ने ज़रूरी आईपॉप डोर गार्ड इंस्टॉल किए हुए हैं। इसके आप सेट ऑफ 4 पीस देख सकते हो। व्हील कैप्स इंस्टॉल की हुई है जो कि डायमंड कट वाली हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं। एक मड फ्लैप इंस्टॉल किए हुए हैं रियर पोर्शन ऑफ द कार से। टाटा पंच की हमारे पास फ्रंट एंड रियर की स्कीड प्लेट्स भी आ चुकी है। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो, जब आप प्योर वेरियंट लेते हो तो पीछे से बम्पर का लुक कुछ इस तरीके का है, लेकिन अगर आप स्कीड प्लेट इंस्टॉल करवाते हो तो काफ़ी अच्छी एनहांसिंग लुक लग जाती है। स्पॉइलर भी हम लोगों ने हमारे पास आ चुका है, अगर आप चाहो तो ग्लॉस ब्लैक, ट्रॉपिकल मिस्ट कलर और मैग्मा ग्रे कलर, तीनों ही कलर हमारे पास अवेलेबल है। रिवर्स का कैमरा हमने यहाँ पर प्लेसमेंट किया हुआ है। इससे होता क्या है कि जो एंगल होता है 180 डिग्री पे कवर्ड होता है, OEM स्टाइल वाला यहाँ पर इंस्टॉल होता है, लेकिन उससे फ़ायदा सिर्फ इतना डिग्री का ही मिलता है। तो जो विज़न है आप लोगों को अगर क्लियरली चाहिए तो यहाँ पे ही प्लेसमेंट करवाना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे कि टाटा पंच के प्योर वेरिएंट में सेंट्रल लॉक सिस्टम नहीं आती है। जैसे ही आप लॉक करते हो और अनलॉक करते हो आपको सेंट्रल लॉक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने सेंट्रल लॉक इंस्टॉल नहीं करवाया तो आपको मैन्युअली चाबी यूज़ करनी पड़ती है। इसलिए हम लोगों ने मेड इन इंडिया का RD ब्रांड का सेंट्रल लॉक इंस्टॉल किया हुआ है विद द फ्लिप की के साथ, वो भी काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का आता है विद द 3 ईयर वारंटी के साथ। बात करना चाहेंगे इंटीरियर ऑफ द कार की, तो हम लोगों ने वेलकम स्कॉपलेट इंस्टॉल किया हुआ है जो कि पंच की बैजिंग के साथ आते हैं, प्योर SS के आते हैं, सेट ऑफ 4 पीस में आते हैं। अगर आप चाहो तो LED वाले भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इस कार में भी हम लोगों ने कार फ्लोर लेमिनेशन मैट्स इंस्टॉल की हुई है, जिसका परफेक्शन आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर रेस्ट पैड है तो उसका भी एक परफेक्शन दिया हुआ है, और एक्सीलेटर से लेके रियर की बैक सीट तक आप लोगों को पूरी फ्लोर मैटिंग है वो परफेक्टली कवर करती है। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो हर एक फिटमेंट और स्टिचिंग का वर्क। और इस कार में हम लोगों ने बकेट मैट्स दिया हुआ है, ताकि एक्स्ट्रा जो मिट्टी वगैरह हो इजीली आप क्लीन कर सको। इसका ड्राइविंग पैड आपने देख लिया, लेफ्ट साइड का भी आप फिटिंग चेकआउट कर सकते हो, और रियर का भी मैं आप लोगों को चेकआउट करवा देता हूँ कि सिंगल पीस में आता है, जब आप लोगों को क्लीन करना होता है काफ़ी इजी हो जाता है। सिंगल पीस में जब ये मैट्स होता है तो जो टुकड़े वगैरह हो आगे पीछे नहीं होते, और एक परफेक्ट मैनर्स के साथ आप इसको क्लीन कर सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो टाटा पंच का जो इंटीरियर है ब्लैक विद द आइस ग्रे इंटीरियर के साथ आता है। तो इस बार भी हम लोगों ने इंटीरियर का ध्यान रखते हुए जो सीट कवर प्लेसमेंट किया हुआ है वो आप लोगों के सामने है, कोई भी जगह से आप लोगों को अनमैच नहीं लगेगा, क्योंकि जो डैशबोर्ड और इंटीरियर के साथ जो कॉम्बिनेशन किया हुआ है वो वन ऑफ द बेस्ट सीट कवर्स है, और ऑटोटेक ब्रांड के हमने इस बार इंस्टॉल किए हुए हैं,
ऑटोटेक के सीट कवर फुल बकेट फिटिंग में आते हैं विद द लैमिनेशन मटेरियल के साथ, तो जो लॉन्ग लास्टिंग उसकी बढ़ जाती है, और जो स्टिचिंग के थ्रेड वर्क और फिटमेंट के बकेटिंग आप चेकआउट कर सकते हो, हर एक जगह से परफेक्शन से काम हुआ है। रियर की सीट भी मैं आप लोगों को चेकआउट करवा देता हूँ किस तरीके से लुक देती है जब कार में इंटीरियर के साथ मैच होता है। रियर सीट के बैक की फिटमेंट और सीट और बैक दोनों ही में परफेक्ट डिज़ाइन के साथ हमने मैच किया हुआ है। ऑटोटेक का बैजिंग भी आप चेकआउट कर सकते हो, हर एक जगह से क्लीननेस के साथ हमने काम किया हुआ है। हमने इस कार में भी स्टीयरिंग कवर स्टिच किया हुआ है जो ब्लैक विद द आइस ग्रे स्टिचिंग के साथ जिग जैग थ्रेडवर्क के साथ इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी है क्योंकि जो सीट कवर्स थे उसमें भी आइस ग्रे स्टिचिंग था, इसमें भी हमने आइस ग्रे स्टिचिंग किया हुआ है। हर एक जगह से परफेक्टली लैमिनेशन मटेरियल के साथ हम लोगों ने जो स्टीयरिंग कवर इंस्टॉल किया हुआ है विद द हाई ग्रिप के साथ है। कभी भी आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हो तो इससे आपके जो स्टीयरिंग है वो एंटी स्लिप रहेंगे। टाटा पंच के बेसिक मॉडल में स्टीयरिंग माउंट एंड कंट्रोल बटन्स नहीं आते हैं। हम लोगों ने टाटा के जेन्यून स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल बटन्स इंस्टॉल किए हुए हैं, लेकिन वो भी एक परफेक्शन के साथ अगर हम इंस्टॉल भी कर रहे हैं उससे कोई वारंटी लैप्स नहीं होती है। आप चेकआउट कर सकते हो, जो स्पीडोमीटर है उसमें कोई भी तरह की लाइट्स वगैरह या कोई दिक्कत नहीं आ रही, आप यहाँ पे देख सकते हो। और हर एक बटन्स भी परफेक्टली वर्क करते हैं, क्विक रिस्पॉन्स है। जैसे ही मैंने माइनस का बटन दिया हुआ है वो माइनस हो रहा है, प्लस का बटन किया है तो वॉल्यूम प्लस हो रहा है, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग होगा, और यहाँ पे म्यूट का बटन भी दिया हुआ है। हर एक बटन परफेक्टली वर्क कर सकते हैं, और इसके साथ हम लोग नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे क्रूज बटन भी जल्दी लाने वाले हैं। सो बने रहे हमारी चैनल पे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कार एक्सेसरीज रिलेटेड हर एक नई प्रोडक्ट्स सबसे पहले जगदम्बा कार एक्सेसरीज पे ही लॉन्च होती है। और इस कार में भी एक बजट फ्रेंडली एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल हुआ है जो सोनी लेक्स ब्रांड का है। 2GB रैम विद 32GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ IPS डिस्प्ले, कैपेसिटिव टच। मैं हर एक बार आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि सोनी लेक्स ब्रांड का एंड्रॉयड स्टीरियो ही इंस्टॉल करवाएं, क्योंकि जो इसकी क्वालिटी और इसकी जो शार्पनेस है इस बजट में आप लोगों को कहीं पे भी नहीं मिलेगी। और जैसे ही आप रिवर्स करते हो तो ऑटोमेटिकली की जो कैमरा भी है वो परफेक्टली वर्क करता है, और मूविंग गाइडलाइंस के साथ हमने इस बार इंस्टॉल किया हुआ है, उसका भी मैं आपको लाइव डेमो चेकआउट करवा देता हूँ। एक नाइट का टाइम है लेकिन जो रिवर्स कैमरा भी है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और ओनर ऑफ द कार जो आनंद से आए हुए हमारे वहाँ मनीष भाई, उनसे पूछते हैं तो उनको आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी मनीष भाई, हेलो एवरीवन। यूट्यूब पे राकेश भाई का जगदम्बा कार एक्सेसरीज का वीडियो मैंने पहली बार देखा, तब सोचा नहीं था कि ऐसा अच्छा काम होगा, उससे भी बढ़िया जो सोचा था उससे भी बढ़िया, बहुत बढ़िया काम करके दिया है राकेश भाई ने, और अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया है। थैंक यू राकेश भाई, थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।